मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन टूडेज वीडियो वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एंडोर्समेंट। मीनिंग में द टर्म एंडोर्समेंट और इंडोर्समेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड इंडोर्सम विच मीन्स ऑन द बैक। सो एंडोर्समेंट मीन्स साइनिंग वंस नेम ऑन द बैक ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, फिर वो चेक हो, प्रोमिसरी नोट हो या बिल ऑफ एक्सचेंज हो, विद अ व्यू टू ट्रांसफरिंग द इंटरेस्ट राइट प्रॉपर्टी और टाइटल इन द इंस्ट्रूमेंट टू द अनदर पर्सन। However, with the passage of time, this narrow meaning has been widened not only to the back of the instrument, but it may be on the face of the instrument also. और यदि दोनों ही जगह पर स्पेस नहीं है तो एक सेपरेट शीट अटैच किया जा सकता है जिसपे सिग्नेचर किया जाता है और जिसे हम बोलते हैं अलॉन्च। नेक्स्ट, इसी को डिटेल में लेते हुए, When a maker or holder writes the person's name on the face or back of the instrument and puts his signature thereto for the purpose of negotiation, it is called endorsement. तो यहाँ पर एक clarity है कि back side पर भी लिखा जा सकता है या face पर भी लिखा जा सकता है, और कुछ special cases में इसको हम separate sheet पर attach करके भी लिख सकते हैं, जैसा कि अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया। दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, वन इज एंडोर्सर, सेकंड इज एंडोर्सी। एंडोर्सर इज वन हु साइंस, और जिसको एंडोर्स किया जाता है उसे हम एंडोर्सी बोलते हैं। द लीगल टर्म दैट रेफर्स टू द साइनिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट विच अलाउज फॉर द लीगल ट्रांसफर ऑफ अ नेगोशिएबल फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर इज कॉल्ड एंडोर्समेंट। नेक्स्ट वी आर लुकिंग एट एसेंशियल्स ऑफ वैलिड एंडोर्समेंट। तो जैसा कि अभी हमने मीनिंग में डिस्कस किया, इट मस्ट बी एंडोर्स्ड ऑन द बैक और फेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या फिर सेपरेट शीट पे कर रहे हैं तो उसे हम बोल रहे हैं अलॉन्च, ई और आएगा साथ में। देन इट मस्ट बी मेड बाय द मेकर और होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। Then it must be properly signed by the endorser. Proper signature होने चाहिए, ink में होना चाहिए, pencil written acceptable नहीं होते। जो salutation words हैं उनको avoid किया जाता है, जैसे कि Mr., Miss, etc. However, qualification of a person is written after the name of the person. फोर्थ पॉइंट सेज दैट इट मस्ट बी फॉर द एंटायर नेगोसिएशन अमाउंट, यानी कि पार्शियल नेगोसिएशन या पार्शियल एंडोर्समेंट अलाउड नहीं है। लास्ट, नो स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ वर्ड्स आर नेसेसरी फॉर एंडोर्समेंट। कोई स्पेसिफिक वर्ड्स नहीं हैं, बस अपना नाम लिखकर साइन किए जाते हैं। अल्फ़ाबेट्स जैसे ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट में यूज़ किए जाते हैं, सेम अल्फ़ाबेट्स के साथ ही सिग्नेचर किए जाते हैं। सो दीज आर दी एसेंशियल्स ऑफ वैलिड एंडोर्समेंट। नेक्स्ट हमारा आता है टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट। एज इज विजिबल ऑन योर स्क्रीन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट आर गिवन, जिसमें ब्लैंक एंडोर्समेंट या जिसे हम जर्नल एंडोर्समेंट भी बोलते हैं, स्पेशल और कंप्लीट एंडोर्समेंट, रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट, पार्शियल एंडोर्समेंट एंड कंडीशनल एंडोर्समेंट को इंक्लूड करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस दीज वन बाय वन। लाइक द वेरी फर्स्ट वन इज ब्लैंक एंडोर्समेंट। इफ द एंडोर्सर साइंस हिज नेम ओनली, द एंडोर्समेंट इज सेट टू बी इन ब्लैंक एंड इट बिकम्स पेएबल टू द बियरर। नेक्स्ट इज स्पेशल और फुल एंडोर्समेंट, विच इज़ द एक्सटेंशन ऑफ ब्लैंक एंडोर्समेंट। इसमें बिसाइड्स साइनिंग द एंडोर्समेंट और द इंस्ट्रूमेंट, द होल्डर ऑल्सो राइट्स द नेम ऑफ अ पर्सन टू हूम और टू हूज ऑर्डर द पेमेंट इज टू बी मेड। तो ब्लैंक एंडोर्समेंट में एंडोर्सर ने केवल साइन किए हैं, जबकि स्पेशल और फुल एंडोर्समेंट में पर्सन का नेम भी लिखा है जिसको कि एंडोर्समेंट किया जा रहा है या जिसके ऑर्डर से पेमेंट किया जाएगा।
नेक्स्ट है हमारा रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसमें एंडोर्सर रिस्ट्रिक्ट्स द फर्दर नेगोशिएशन और ट्रांसफरेबिलिटी। इसके लिए ओनली वर्ड का यूज़ वो करता है, ओनली वर्ड। तो जो भी तक हमने किए, जैसे कि ब्लैंक एंडोर्समेंट, कंप्लीट एंडोर्समेंट एंड रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट, दीज कैन बी सीन द डिफरेंस अमंग्स द थ्री विद द हेल्प ऑफ द स्पेसिमेन विजिबल ऑन योर स्क्रीन। जैसा कि आप देख सकते हैं, ब्लैंक एंडोर्समेंट में केवल साइन किए गए, स्पेशल एंडोर्समेंट और कंप्लीट एंडोर्समेंट में पर्सन का नेम जिसके फेवर में किया गया है। रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट के केस में ओनली वर्ड यूज़ कर दिया, जिससे ये फर्दर नेगोशिएबल नहीं रहता। नेक्स्ट हमारा आता है पार्शियल एंडोर्समेंट। पार्शियल एंडोर्समेंट लीगली इनइफेक्टिव होता है, क्योंकि इसमें द एंडोर्समेंट इज़ फॉर अ पार्ट ऑफ अमाउंट पेबल, जो कि लीगली अलाउड नहीं है। जैसा कि आप इस स्पेसिमेन में भी देख सकते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज़ फॉर 10,000 रुपीज़, लेकिन 5,000 रुपीज़ केवल एंडोर्स किए गए हैं, इसलिए लीगली इफेक्टिव नहीं होता। नेक्स्ट है हमारा कंडीशनल एंडोर्समेंट। द एंडोर्समेंट विच इज़ प्रिसीडेड बाय सर्टन कंडीशन विच इज़ फुलफिल्ड बाय द एंडोर्सी और टू रिसीव द पेमेंट विच मे बी हैपनिंग ऑफ सम सर्टन और अनसर्टन इवेंट्स एज विजिबल ऑन योर स्क्रीन विद द स्पेसिमेन। पे राम और ऑर्डर ऑन द अराइवल ऑफ सुमित एट जेपी नगर। सो दिस इज़ द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम कंडीशन और इवेंट। कंडीशनल एंडोर्समेंट को फर्दर टू पार्ट्स में हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट इज फैक्यूलिटेटिव एंडोर्समेंट, वेयर द एंडोर्सर एक्सटेंड्स हिज लायबिलिटी और अबंडंस सम राइट अंडर अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं दैट इन स्पेसिमेन इट इज़ क्लियरली रिटन दैट नोटिस ऑफ डिसऑनर वेट। नेक्स्ट हमारा इसमें आता है सेंस रिकोर्स एंडोर्समेंट, जिसमें एंडोर्सर फ्रीज हिमसेल्फ फ्रॉम एनी लायबिलिटी लाइक डिसऑनर ऑफ इंस्ट्रूमेंट बाय राइटिंग द वर्ड सेंस रिकोर्स और विदाउट रिकोर्स। जैसा कि आप स्पेसिमेन में देख सकते हैं, विदाउट रिकोर्स वर्ड मेंशन करके सब्सिक्वेंट लायबिलिटी से बचा जा सकता है। सो दीज आर दी वेरियस टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट। थैंक यू।